हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं महिंद्रा यूवो 275 DI का। आपको ट्रैक्टर का हम लोग दिखा रहे हैं, देख लीजिए। इसमें महिंद्रा का लोगो यहाँ पर दिया हुआ है, प्री एयर क्लीनर यहाँ है। पावर स्टीयरिंग मॉडल है, 2017 में ही दिया गया है। पावर स्टीयरिंग देख लीजिए, फ्रंट में अपोलो का टायर मिला था, देख लीजिए आप लोग। अपोलो का टायर दिया था फ्रंट में, 616 का। ये डीजल फिल्टर है, यहाँ पर सेल्फ दिया हुआ है, इसमें फाइबर का टैंक दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। सिंगल क्लच है, पावर स्टीयरिंग का आप लोग देखिए कैसे किया हुआ है कंपनी से। इसका क्लच डायफ्राम क्लच है, बहुत सॉफ्ट क्लच है। जब से लिए क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, 5 साल से ऊपर हो गया गाड़ी का, लेकिन इंजन में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है, ना ही क्लच में। आप देख सकते हैं कुछ भी अभी प्रॉब्लम नहीं आया है, पूरा सील पैक। यहाँ से भी क्लच प्लेट भी कुछ नहीं बिगड़ा है 5 साल में। एक साल सीजन थ्रेसर में भी चलाया है। उसका मीटर दिखाते हैं, स्टीयरिंग में महिंद्रा का लोगो है। स्विच समझ लीजिए आप लोग, ये बैक इंडिकेटर का स्विच है, ठीक है। और ये हेडलाइट का है, यहाँ हॉर्न, साइड इंडिकेटर के लिए। गाड़ी मेरा चल चुका है, देख लीजिए, 3998 घंटा, मतलब 4000 घंटा चल गया गाड़ी लगभग। यहाँ पे हीट मीटर दिया हुआ है, गाड़ी हीट बहुत कम लेता है, क्विक कूलिंग टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, हीट तो गाड़ी लेता ही नहीं है जल्दी। पानी बदलते रहते हैं, कूलेंट डालते रहिए, समय समय पे हीट नहीं होगा गाड़ी। ये फ्यूल मीटर है, इसका सही नहीं दिखा पाता है, ये फ्यूल कितना रहेगा नहीं रहता सही नहीं। क्लच देखिए आप लोग कितना सॉफ्ट, छूते ही प्रेस हो जाता है। ये हैलो मीडियम का गियर बॉक्स है, पीटीओ गियर, पीटीओ का लीवर है ये, 540 पीटीओ, 1800 RPM पे देता है। रिवर्स 1 2 3 4, ये ड्राफ्ट लीवर है, ये पोजीशन लीवर है, इस ये हैंड ब्रेक दिया हुआ है, इसको ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, ब्रेक दबा के ये हो गया। पीछे लेके चलते हैं, बैक टायर 1328 का दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। C8 का है, हम कहेंगे ठीक है, गाड़ी रोड रोड सब पे चला हुआ है।